आप हैं और जा समझते थे बंदे में हाथ थे अब इनको महसूस आप गर्म हो जाते और जाके चेहरे पर मस्तक पर काम करेगा। पांच मिनट के ध्यान से आपका चेहरा बदल जाता है। ये नाम का प्रभाव जिसे दुनिया में आप जैसा शख्स नहीं है कोई ऐसा चेहरा जानते कि शांति इस्लाम के अंदर जब भी कोई डिप्रेशन हो तनाव में हो नेगेटिव थिंकिंग हो पहले तो बैठ के तीन बार ओम का उच्चारण करो। शेर से लेकर मस्तिष्क तक चोटी पैर के अंगूठे तक कोई भी बीमारी है आपको शारीरिक मानसिक सबसे ज्यादा इफेक्ट इस ओम का शरीर पे पड़ता है। इसलिए आप तीन बार ये करें फिर आप थोड़ी देर ध्यान पर बैठ जाए गुरु मंत्र का जाप करें इसको अजपा बनाए सहज श्वास के अंदर फिर आप महसूस करेंगे कि सच में मेरा तो एक सच्चा रिश्ता अपने सतगुरु के साथ है। जब से संसार में आए हैं शरीर मिला है तो शरीर के ही रिश्ते निभा रहे हैं शरीर छूट जाता है तो रिश्ते नहीं छूट जाते हैं। तो कभी ऐसा फरमाते हैं इस दुनिया में आए हैं तो एक रिश्ता और है जो सच्चा है बहुत मैत्री का है बहुत आत्मीयता का है अगर वो नहीं मिला तो समझो कुछ नहीं मिला। कभी सतगुर मिले तो सब मिला आदर मिला रे कोई बात पिता सुत बंधवा ये तो घर घर होई कोई बड़ी बात नहीं है हर घर में बात पिता की स्त्री पुत्र बहन भाई चाचा तो सब है लेकिन सतगुर किसको मिलेंगे वो बड़ा भाग्य है। किसी का सौभाग्य देखना हो तो जीवन में देखना है क्या उसको सतगुरु मिले और सतगुरु मिल जाए तो क्या देते हैं प्रिय सतगुरु दाता देते हैं ज्ञान ध्यान बैरागे जो न लागे बंदगी तिनके मोटे भागे। तीन चीजें देते हैं सतगुरु ज्ञान ध्यान बैराग्य ये तीन चीजें ये तीन परम तत्व आपको संसार में कहीं नहीं मिलेंगे किसी दुकान में नहीं मिलेंगे किसी घर से किसी रिश्ते से नहीं मिलेंगे। ज्ञान फिर ध्यान ध्यान में गुरु भी उतार सकते हैं और वो भ्रम ज्ञान जो है तत्व ज्ञान वो भी गुरु दे सकते हैं और बैराग्य हमें तो संसार में राग ही राग्यास अशक्ति जो कि बंधनकारक है सतगुर बैराग्य पैदा करते हैं संसार से विरक्ति हो जाती है परमात्मा में अनुरक्ति पैदा कर देते हैं उनकी संगत जो करे वो यम के दूतों को नहीं फंसता है वो यमपुरी में नहीं जाता कितने रिश्ते बनाए कितनी मित्रता निभाई कितनी फ्रेंडशिप बनाई आपने थोड़ी सी संतों से भी बना लो आजकल फ्रेंडशिप का जमाना है ना जिसने देखे वो लड़का उससे दोस्ती कर रहा वो लड़की हमारी जो युवा जनरेशन है बड़ी कुसंगत में पड़ गई सतगुरु भी कह रहे हैं चलो हमारी बात मानो फ्रेंडशिप करनी है किससे करनी है गरीब साहिब से थी दोस्ती संतों से थी प्यारे जिनको संता है नहीं धर्म राय दरबारे संतों से थी दोस्ती संतों से दोस्ती कर लो यारी कर लो संतों से सदगुरु से प्रीति कर लो और उसको शंका ही नहीं है धर्मराज के दरबार में देखो लेखे में लिखा है और कोई छुड़ाने वाला नहीं है उसके दरबार में खड़े होकर सब ने अपना हिसाब किताब देना होता है लेकिन बड़े विश्वास के साथ अंतस की गहराई से ये नाम है इसकी ताकत है और कोई नहीं छुड़ा सकता उसकी पूरी से केवल संतों का नाम छुड़ा सकता है धर्मराज की कृपा से। मैं छोटा सा प्रश्न सुनाऊं कि संतों से मैत्री संबंध करने से संत कहाँ पहुंचा देते हैं एक बार एक युवक था उस संत में पड़ गए घर वाले बड़े परेशान थे कुछ भी अच्छा नहीं करता तो इस संत के पास घर वालों ने कहा महाराज बड़े परेशान हैं इसको आप सुधार करो
उस लड़के को बुलाया तो संत ने कहा कि जो हम कहेंगे वो करेगा। कहेंगे महाराज मेरे को कुछ भी अच्छा काम करने के लिए मत कह, मैं अच्छा काम तो करूंगा। संत ने कहा चलो ठीक है, लेकिन एक बात रखिएगा मेरे से मैं करेगा। कहेंगे हाँ उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कुटिया में एक बार जरूर आकर अगर तू मेरे से मैत्री संबंध बनाना चाहता है ठीक है, पर वहां भी कुछ अच्छा काम मत बता देना, मेरे से मैं करूंगा। संत ने कहा चलो ठीक है, और जाना जाता। संत उसको कुछ नहीं कहते थे, बैठ के घूम के कुटिया में ना वापिस आ जाता ना उसको नाम जपने को कहते, ना कीर्तन को, ना सत्संग को, ना सेवा को, बस जाता और आ जाता। एक दिन दोनों शाम का समय जंगल से गुजर रहे, अब जिसके साथ रोजाना हम बैठने लग जाए ना, धीरे धीरे वही किसकी बात भी मानने लग जाता है। संत ने कहा बेटा आज तक मैंने तेरे को कुछ नहीं कहा, मेरी एक बात मानने का कहो महाराज। मेरे कहने से एक बात राम कहते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? लेकिन एक बात कहते विश्वास के साथ। उसने बड़े विश्वास के साथ जंगल में कहा राम। संत कह लगे बन गया काम, कम से कम गया तो। कुछ समय बाद उसका मृत्यु का समय नजदीक आया, अब यम के दूत आए उसको पकड़ लिए यमराज के पास। यमराज ने कहा चित्रकूट से भी देखो इसका कोई खाता, कुछ अच्छा काम किया है इसने? कहेंगे महाराज एक भी नहीं किया जीवन में, बस एक अच्छा काम किया इसने, एक ही बार राम का नाम लिया था। कहेंगे चलो इससे पूछ लेते हैं, पहले इसी का फल देते हैं। कहेंगे बता तूने एक ही बार राम कहा था उसका क्या फल था? लेकिन उसे संत की बात याद आई। संत ने कहा था जब कोई तेरे से कहे ना कि राम के बदले कुछ मांग ले, तो बेटा किसी से कुछ मांगना मत, इस नाम के बदले कुछ भी इच्छा मत करना, फल मत मांगना। उसे यमराजपुरी में उस संत की बात याद आ गई कि यमराज जी कह रहे हैं इसका फल क्या दे तुझे, एक ही बार राम कहा है। वो कहने लगे मैंने तो फल मांगना ही नहीं, जो होगा मिल जाएगा, इसके बदले मैंने कुछ नहीं मांगा। अब राम का फल क्या है यमराज तो जानते ही नहीं, किससे पूछे, चलो ब्रह्मा के पास चलते हैं। उस युवक को यमदूत और यमराज लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, इसको क्या फल एक ही बार राम कहा है। ब्रह्मा पिता कहने लगे मेरे मुख से चारों वेद निकलते रहते हैं और मुझे तो नहीं पता इसका फल क्या है, नाम के बारे में पता है। कहेंगे किससे पूछे कि शंकर भगवान के पास चलते हैं, वही हमेशा नाम में लीन रहते हैं, समाधि में रहते हैं। अब ब्रह्मा जी यमराज और वो दूत उसको लेके शंकर जी के लोक में पहुंच गए। कहेंगे आपको अखंड समाधि में रहते हैं, इसका फल क्या, एक बार नाम गया है क्या फल है? शंकर भगवान कहेंगे मुझे भी नहीं पता, बस मैं तो नाम की मस्ती में रहता हूँ, आनंद आता, फल मुझे नहीं पता। फिर कहने किससे पूछे, अगर जिसका नाम है तो उसी से पूछ लेते हैं। अब शंकर भी ब्रह्मा भी यमराज भी दूत भी उसको लेके भगवान के पास पहुंचे। भगवान कहने भी आपका स्वागत है, किस लिए आए? कहने लगे इसने आपका एक बार नाम लिया, इसका फल क्या है? भगवान कहने लगे ये फल तो मुझे भी नहीं पता, पर तुम मेरे पास ले आए हो तो एक काम करो, यही छोड़ जाओ इसको। तो ब्रह्मा जी शंकर को सारे मिल को कहा छोड़ आए भगवान के धाम में छोड़ जाए, नाम लेने का इतना फल है लेकिन इसका फल मत मांगना, वो आपको स्वयं ही परमात्मा के धाम में पहुंचा देगा। तो संत से थोड़ी सी मैत्री दोस्ती बनाई और उसका एक बार कहने से नाम जपा तो छुड़वा लिया बंधन से। सतगुरु क्या कह रहे हैं, सारे से संतों से थी।
कुछ हो सकता है, इसलिए नाम कितनी बार कहा ये ज्यादा मायने नहीं रखता, कितनी गहराई से कितने विश्वास के साथ आपने जपा वो मायने रखता है। इसलिए बाबा जी लिखते हैं प्रेम नाम देने गुण का माना नहीं मोरा हारे, जो पारस लगे कट है परम लगाए। नाम रखे निर्गुण कला, जो नाम में रत है लगे हुए हैं निर्गुण कला उस परमात्मा को पा लेते हैं। मानो नहीं मुरा हारे वो मनुष्य ही रहते हैं, मुरा हारे परमात्मा बन जाते हैं। जैसे पारस लोहे को सोना बना देता है, ऐसे सतगुरु उस जन्म जन्मांतरों से मलिन अचूक लगे लोहे को पारस जैसा सोना जैसा बना देते हैं, उसके कर्मों के लगा जो है वो सब कट जाते हैं। इसलिए जितना हो सके भाई नाम का स्मरण करो, उठते बैठते सोते खाते पीते, बीमार हो दुख आ गया संकट आ गया हार गए हो जिंदगी से, लेकिन कभी साफ कहते हैं कभी ये संसार सकल है मेला, राम कहे भी सुचा कहे कभी नाम नहीं छोड़ो गिरत पर चढ़ ऊंचा। ये संसार सकल है मेला यानी संसार मेला है, मलिन है, पवित्र है क्योंकि मन से बड़ा है। नाम कहे थे सुचा, जो नाम जपता है वही पवित्र है। कहे कभी नाम नहीं छोड़ो यानी कुछ भी होना गिरना पड़ना आगे बढ़ना, लेकिन नाम नहीं छोड़ना कितना संकट आ जाए, पीठ नहीं दिखानी हिम्मत नहीं हारनी, इतने दिन से जब रहे कोई काम ही नहीं हुआ कुछ आगे नहीं आए। बहुत सारे लोग तो इसी उलझन में आ जाते हैं, इस नाम के बदले मुझे क्या मिलेगा, क्या मेरे संकट कटेंगे, क्या मेरी इच्छाएं पूरी होंगी, क्या मेरे मन की मुरादें पूरी होंगी। अरे उन कुछ चीजें मिली भी हैं, इस नाम से तो परमात्मा से जुड़ना है, उससे मिलना है। पीठ फेर लेते हैं हमने तो छोड़ दिया करके देख लिया, लेकिन सूर्य सती सिंह यति इनका एक मत होता है, वो पीठ नहीं फेरते हैं। बाबा जी कहते हैं सात सतियों ने सूर्य सती पति के साथ सती होती थी वो भी पीठ में फेरती थी, अब तो सती पत्ता खत्म हो गई है। शूरवीर रण में जूझ जाएगा रोटी रोटी कटवा देगा लेकिन कायर होके भागेगा। यदि जो जितेंद्रिय है जिस इंद्रियों को वश में किया है तो उसके सामने कितने संसार के भोग आ जाए गिरेगा नहीं। सिंह से अब हारते रहो पीछे से गिर या कुत्ते भोगते रहे, लेकिन सिर सिंह जो है शेर पीछा देख के नहीं देखता, अपने मस्ती में चलता। बाबा जी कहते हैं ना पांचों में एकता होती है, और जगत को यही नहीं, हर सब कोई अपने मर्यादा से गिर सकते हैं हर सकते हैं, लेकिन ये पांच नहीं हटेंगे। तो जो सदगुरु का नाम है इसके अंदर दृढ़ निष्ठा हो प्रेम हो तो आप देखो बड़े से बड़े संकट अपने आप बिना कहे टल जाते हैं। सतगुरु उसके काम शुरू करते हैं, कहना नहीं पड़ता है। दिल्ली के पास बाजीपुर में भक्त तो खराब जी रहते थे, उनके पिताजी बाबा गिरिदास जी महाराज के शिष्य थे, अनुयायी थे, कभी कभी वहां सतगुरु के दर्शन करने जाते। अब तो खराब भी पिताजी से रास्ते पर चलेगा तो पुत्र भी चलेगा, उन्होंने भी दीक्षा लेनी सतगुरु से। सतगुरु ने कहा भी समय दे रहा है सुबह ढाई घंटे, कितने ढाई घंटे और आप कितने देते हैं ढाई मिनट। सुबह उठ के जो गुरु ने नियम लिया है उसको पूरा हो गए तो बाहर होता है, जब स्मरण मंत्र लेते हैं तो उनकी ड्यूटी देनी चाहिए, जब आप ड्यूटी पर पक्के होंगे तो परमात्मा अपने आप कृपा करेगा। सुबह ढाई घंटे बैठते थे तो
करते, सारा दिन काम करते, स्मरण करते, रात्रि सोने से पहले स्मरण करते। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा मैंने बाहर जाना है, खेत में बन जा रहे सोना लेने आइए, वो बोल देना। पिता कहकर चले गए, लेकिन वो ध्यान में बैठे श्वास में अजब अजब करता था। कभी कभी उसकी सांस से मर्जी भी लगते थे, ना बोला था, बिल्कुल ठंडा। लेकिन सारा दिन बीत गया, पिता ने आकर पूछा, तो खराब कहा कली को बैठा कमरे में, जाकर कंधा पकड़ के गाया कि खेत में तेरे को काम करा था, वो बंजारे चले जाएंगे, जुर्माना भरना पड़ेगा, अब तू काम नहीं करेगा तो क्या भगवान काम करने आएगा। ठीक है, सुबह उठ के नाम करने आपको समय, सारा दिन थोड़ा पागल बने रहते हैं। तो खराब उठा कल बैठिए कविता से, अब यूं कह के पिताजी थोड़ा रुष होके खेत में चले गए। जाकर देखते हैं तो खराम सोना तोल रहा है बंजार को। पिताजी कहने लगे, अरे तू उससे रास्ते से मेरे पहले जल्दी आ गया, मैं तेरे को घर छोड़ के आया। तो खराम मुस्कुराने लगा, कुछ नहीं बोला। पिता ने घर आकर देखा तो घर बैठा है। घर वालों से पूछा, ये किस टाइम घर गया, किस खेत में गया, वापिस आ गया। घर वाले कहने लगे, तू गया ही नहीं, तब से घर पे ही है, कल फिर सोना किसने तोला। तो खराम जी रोने लगे कि मैं नहीं था, मेरी जगह तो मेरे सतगुरु करके गए हैं। बाबा गरीब दास जी ने तो खराम का रूप बना लिया था, और पिता की डांट ना पड़े और जाकर सोना तो ले। तो इसलिए सतगुरु क्या नहीं करते अपने हंसों के लिए, गुरु की तारीफ कैसे करूं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना मेरे सतगुरु जैसा कोई और नहीं। हृदय से गुरु सुमन किया तो आवाज सतगुरु तक जरूर जाएगी, और सतगुरु जी ने सुन ली तो हमारी हर बिगड़ी बात बन जाएगी। करके तो देखो हृदय में सुमन, कैसा सुमन। गरीब बच्चा जान को मोदनी, पतंग बच्चा जान को मोदनी, कहते हैं जैसे कछुआ होता कुमोदनी होती है, पतंगा होता कुंज होती है। ये जो है हृदय से याद करते हैं, कछुआ है अंडे देके किनारे पर बहुत पानी में उतर जाता है, जब बाहर आता तो बच्चे बन जाते हैं, कुंज पहाड़ों में अंडे देके आती है, सर्दियों में रह जाती है, बच्चे अपने पाते सूची से सह देती है। पतंगे को प्रेम होता है लाइट से, इसके रूप पर आकर्षित होता है, जलकर खत्म हो जाता है। ऐसे ही जिसको हृदय से सुमरण है, सतगुरु से प्यार है, तो सतगुरु उसकी चिंता करते हैं। हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, फिर परमात्मा किसका धरता है, जो उसका ध्यान धरता परमात्मा उसका धरता है, और उसकी सारी चिंता उसका योग अक्षय स्वयं वहन करता है। फिर भक्त को चिंता करने की जरूरत नहीं, फिर तो परमात्मा उसकी चिंता करता है। जैसे नाविक को तूफान की, कंजूस को मेहमान की, कायर को जान की, अमीर को शान की, वीरों को आन की, कमजोर को बलवान की, पायलट को उड़ान की, विद्यार्थी को इम्तिहान की, बड़ों को सम्मान की, खिलाड़ी को मैदान की, और व्यापारी को नुकसान की चिंता रहती है, ऐसे गुरु को अपने शिष्य की चिंता रहती है। इसलिए अब स्मरण करिए, उनको समय दीजिए, समय बहुत बलवान है, और उस घड़ी में जो स्मरण किया है वो खाली नहीं जाता, उसका बहुत बड़ा फल होता है। तो इसलिए हम गुरु दरबार में आए हैं, गुरु दीक्षा ली है, तो उनके कई नियमों पर, उनकी मर्यादाओं पर जरूर चलें।